हेलो एवरीवन, दिस इज अलकमा। करंटली आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि राउंड थ्री का गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ एट न्यू मेडिकल कॉलेजेस, एंड राउंड थ्री का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सो जो राउंड थ्री का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 9th ऑफ अक्टूबर से। एंड इसमें आपको क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं उनको करना है। ठीक है, एंड जिन लोगों को सपोज किसी ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है एंड सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, देन उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एलिजिबल है राउंड थ्री के लिए। ठीक है, एंड जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है वो कब से कब तक कर सकते हैं, 9th से 13th अक्टूबर तक रात के 11:59 PM तक। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कलर्ड फॉर्म में अपलोड करने हैं। ठीक है, एंड आपका रजिस्ट्रेशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपने पेमेंट नहीं कर दिया होगा, तो आपको पेमेंट फीस पे करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है वो ड्यूरेशन जो भी है, टाइम लिमिट है, उसके बाद क्या होगा, जितने लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है उनकी एक लिस्ट जनरेट होगी। ठीक है, वो कब आएगी, 14th अक्टूबर को। ठीक है, वो लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद 15th को सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड थ्री की। सो आपको पता चल जाएगा कि ये राउंड थ्री में कितनी सीटें अवेलेबल है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 8 न्यू कॉलेजेस आए हैं देन 800 सीट्स ही अवेलेबल है राउंड थ्री में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सपोज़ मेरे पास एक मैसेज आया था, उनका EWS कैटेगरी से एडमिशन हुआ था, बट उन्होंने स्टेट की जगह पे क्या किया था, ऑल इंडिया मीन्स सेंट्रल की EWS सर्टिफिकेट देके एडमिशन ले लिया था, क्योंकि कॉलेज वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया तो उनका एडमिशन हो गया था। बट बाद में क्योंकि दो बार रीचेकिंग होती है डॉक्यूमेंट की, देन बाद में उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना एडमिशन विड्रॉ किया, एंड अभी थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो 20 से 25 सीट्स ऐसे भी वैकेंट हो जाती है राउंड थ्री के लिए। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा 15th अक्टूबर को कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एंड उसके बाद 15th to 17th, 2 दिन का 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। सो उसमें आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, बिकॉज थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज लगता है आपको लेना ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेने हैं, अगर आप नहीं लेते हैं देन आपके कॉलेज चले जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो 15th को आपको क्या करना है, 15th to 17th आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली, उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट फाइनल जो थर्ड राउंड की है वो कब आएगी, 19th अक्टूबर को आने वाली, यहाँ पे लिखा है। एंड देन आपको 20 से 23 अक्टूबर तक टाइम मिलेगा, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको राउंड थ्री की भी सीट नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको राउंड थ्री की भी सीट नहीं चाहिए देन आप विदाउट पेनल्टी उसको रिज़ाइन कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा 23rd अक्टूबर तक। ठीक है, अगर सपोज़ आपने 23rd अक्टूबर तक वो सीट रिज़ाइन नहीं किया, अब आपको वो सीट नहीं चाहिए, अब उसके बाद रिज़ाइन करते हैं देन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो भी पेनल्टी का है। ठीक है, ये था राउंड थ्री का अपडेट, एंड अभी देखते हैं कि राउंड थ्री में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। सो अभी जो राउंड थ्री में 800 सीट्स ऐसे आई हैं, एंड काफ़ी सारी सीट्स और भी आएंगी बिकॉज ऑफ न्यू एडमिशन एंड जो अनब्लॉक सीट्स हुई हैं। ठीक है, वो सारी सीट्स हमें सीट मैट्रिक्स से पता चल जाएगी कि कितनी वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 3 से 4 मार्क्स कम होने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, आप उसके अगर रेंज में आ रहे हैं तो आप देख लें। सो जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 637 मार्क्स, एंड जो OBC का कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 633 मार्क्स, एंड जो EWS का कट ऑफ जाने वाला है वो 612 मार्क्स, एंड फॉर VJ 591 मार्क्स, एंड फॉर NTB 572 मार्क्स, एंड फॉर NTC 613 मार्क्स, फॉर NTD 630 मार्क्स, एंड फॉर SC 550 मार्क्स, एंड ST 428 मार्क्स, एंड फॉर SCBC 632 मार्क्स। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ एक्सपेक्टेड हैं थर्ड राउंड में। एंड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं वो है ओपन कैटेगरी के लिए 591 मार्क्स, एंड फॉर OBC 590 मार्क्स, एंड फॉर SCBC 590 मार्क्स, फॉर SC 528 मार्क्स, फॉर ST 392 मार्क्स,
ठीक है, एंड फॉर वीजे 580 मार्क्स, एंड फॉर एनटी 1553 मार्क्स, एंड फॉर एनटी 2592 मार्क्स, एंड फॉर एनटी 3592 मार्क्स। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ये एग्जैक्ट कट ऑफ होने वाली, इससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का वेरिएशन और ऑफ कोर्स है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे मीन्स एवरेज ओवरऑल ये सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप अपने आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको अगर कॉलेज नहीं मिला देन आपके क्या मार्क्स लाए कर रहे हैं। ठीक है, आपको चांसेस हैं मिलने के नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड जैसे सीट मैट्रिक्स आती है मैं आपको बता दूंगा कि कितनी सीटें वैकेंट है, कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंट है, क्या चांसेस है मिलने के। ठीक है, अगर आपके कोई और भी डाउट है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।